कुतियाना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान के कुएं पर हुआ लाखों रुपये का नुकसान, सभी विद्युत उपकरण फूके। नीमणा उपखंड के ग्राम पंचायत कुतियाना गांव में सूबेदार कंवर पाल सिंह चौहान के कुएं पर खेत में बने मकान के पास विद्युत ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से इन्वर्टर, बैटरी, कुएं का ट्रांसफार्मर, विद्युत केबल, विद्युत उपकरण आदि जल गए, जिससे किसान का लाखों रुपये का नुकसान हो गया। कुतियाना ग्राम पंचायत सरपंच रविंदर सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार देर शाम किसान सूबेदार कौरपाल सिंह चौहान के कुएं पर बने मकान के पास विद्युत ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत उपकरण, कुएं की मोटर, इन्वर्टर, बैटरी, केबल सहित काफ़ी नुकसान हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई, जबकि भैंस भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हो गई। कुएं की विद्युत सप्लाई चालू थी, संयोग रहा कि विद्युत सप्लाई के तार जलकर वहीं टूटकर गिर गए। अगर यह हादसा आबादी क्षेत्र में घटित होता तो गांव में जान माल की बड़ी हानि हो जाती, इसलिए सरपंच रविंदर सिंह चौहान ने विद्युत विभाग से मांग की है कि अगर बारिश का दौर हो तो विद्युत सप्लाई काट दी जाए, जिससे इस तरीके के हादसों को डर नहीं रहे। किसान कंवरपाल सिंह चौहान के नुकसान का जायजा पटवारी, सरपंच, सचिव आदि ने सर्वे करके तहसीलदार नीमणा को रिपोर्ट कर दिया गया है, जिससे किसान को सरकार की तरफ से मुआवजा मिल सके। इस दौरान सरपंच रविंदर सिंह चौहान, उप सरपंच दीनदयाल शर्मा, राज सिंह चौहान, डॉक्टर रघुवीर प्रसाद, वार्ड पंच वीरेंद्र सैन, सूबेदार सतपाल सिंह चौहान, सूबेदार कंवरपाल सिंह चौहान सहित काफ़ी ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। ये सरपंच साहब, कैसे, क्या घटना हुई है? कल शाम को 7-7:30 बजे के करीब तेज बारिश आ रही थी और उस समय विद्युत की सप्लाई जारी थी और उसी समय आकाशीय बिजली गिरने के कारण अपने सूबेदार कंवरपाल सिंह, जो मुतीना ग्राम से है, उनके कुएं के ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इनका इन्वर्टर जल गया, टीवी जल गया, और क्या कहें, स्टार्टर और जो कुएं की जो मोटर है वो भी जल गई और ट्रांसफार्मर तो जल ही गया। क्या ये अपनी बिजली चालू थी या कटी थी? नहीं, उस समय विद्युत की सप्लाई जारी थी, विद्युत की लाइट आई हुई थी और विद्युत सप्लाई जारी थी। कितने बजे की करीबन घटना हुई? 7:30 बजे के करीब। और क्या कोई, इनका काफी सारा नुकसान हुआ है, लेकिन भगवान की दया से ये मानो कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है, विद्युत विभाग को अवगत करा दिया है, पटवारी को अवगत करा दिया है, और प्रशासन से हमने यही मांग करी है कि जितना जल्दी हो सके परिवार को जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। वैसे तो आकाशीय बिजली थी, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उस समय अगर मान लो जैसे तेज बारिश आती, अगर विद्युत सप्लाई कटी हुई होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो मैं भी ये विद्युत विभाग से अपील करता हूँ कि जब भी यदि तेज बारिश आती है तो एक बार तो कम से कम लाइट को अगर काट दिया जाए, तो जिससे इस तरह के हादसे होने से शायद आगे बचा जा सकता है।